दोस्तों देखो, एक दो हफ्ते पहले ना YouTube के कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर दोस्तों आप अपनी कमेंट करते हो, तो दोस्तों वहाँ पर ना एक व्यक्ति ने मुझसे दोस्तों एक सवाल पूछा। वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा था कि भाई मैं ना बहुत दिनों से बहुत बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, तो वो भाई मुझको बोला कि भाई मैं तुझको क्या बताऊँ, एक्चुअली मेरे पड़ोस में ना एक शादीशुदा औरत रहती है, जिस औरत की उम्र ना मुझे ऐसा लगता है कि वह जो औरत है ना वो 35 साल के ऊपर की होगी, बट वो जो औरत है ना वो दिखने में इतनी सुंदर है ना कि मैं तुझको क्या बताऊँ, मतलब उसको देखकर ना ऐसा लगता है कि यह आइटम मुझसे पटेगी ना तो मैं इसके साथ मज़े ही मज़े करूँगा। तो दोस्तों वो भाई मुझे बोल रहा था कि भाई मैंने यूट्यूब पर ना कई ज़्यादा वीडियो देखी कि औरतों को कैसे पटाए, औरतों को पटाने के तरीके कौन से होते हैं, बट अभी तक ना मैंने बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल मैंने किया, बट अभी तक ना मुझसे वह औरत बिल्कुल भी नहीं पटी। तो तू ना मुझे कुछ ऐसे तरीके बता कि जिनका इस्तेमाल करने के बाद मैं उस औरत को ना कैसे भी करके पटा ही लूँ। तो दोस्तों मैंने ऐसा सोचा कि भाई बहुत प्रॉब्लम में है, तो इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सभी को और उस भाई को भी इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ऐसे दोस्तों 3 प्रकार के काम मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों 3 प्रकार के काम मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद ना दोस्तों आप किसी भी औरत को आप दोस्तों एक झटके में आप उसको पटा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ना इसके बारे में सब कुछ पता करना है कि कौन से है वो 3 प्रकार के काम, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों देखो, अगर आपको ना किसी भी शादीशुदा औरत को अगर दोस्तों आपको पटाना होगा ना, तो दोस्तों सबसे पहले ना उस औरत के साथ सबसे पहले अच्छी वाली दोस्ती करो। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, सबसे पहले ना उस औरत के साथ सबसे पहले अच्छी वाली दोस्ती करो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों बहुत सारे पुरुष ना औरतों को पटाना तो चाहते हैं, बट उनकी ना दोस्तों औरतों के साथ बात करने में उनकी दोस्तों पूरी की पूरी फट्टी है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं उस औरत के साथ बात करने के लिए कैसे जाऊँ, अगर कुछ हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। अरे घंटा, इतना टेंशन मत लो, आप ना दोस्तों सीधा जाकर उसके साथ दोस्ती करो। और दोस्तों दोस्ती होने के बाद ना दोस्तों आप उस औरत की ना जितनी हो सकती है उतनी दोस्तों उसकी तारीफ करो कि आप ना ऐसी हो, आप ना वैसी हो, आपका स्वभाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आप ना सुंदर हो, मतलब दोस्तों एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो मैंने आपको बताया ना वो दोस्तों जस्ट एग्जाम्पल था, आपके दिमाग से आप दोस्तों जो बोल सकते हो वो दोस्तों आप उसको बोल के दिखाओ, मतलब उसकी ना दोस्तों भर भर के तारीफ करो। और दोस्तों उसकी ना दोस्तों जितनी हो सकती है उतनी दोस्तों हेल्प करो। क्या बोला मैंने, उस औरत की ना दोस्तों जितनी हो सकती है उतनी दोस्तों हेल्प करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप ना किसी भी शादीशुदा औरत को अगर दोस्तों आप पटाना चाहते हो ना, और अगर आप दोस्तों ऐसी औरतों की अगर दोस्तों हेल्प करोगे ना दोस्तों, तो ऐसी औरतें जल्दी से जल्दी आपके ऊपर दोस्तों इम्प्रेस हो सकती है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया ना वो दोस्तों सबसे पहले प्रकार का काम है। अभी दोस्तों उसके बाद जो दूसरे प्रकार का काम है वो दोस्तों कौन सा काम है कि दोस्तों उस औरत की ना जो इच्छा है या फिर उसकी जो ज़रूरत है उसका हस्बैंड बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहा, तो उन इच्छाओं को या फिर उन ज़रूरतों को आप दोस्तों पूरा करो। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसका मतलब क्या है कि दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल उस औरत की ना ऐसी कोई ना कोई इच्छा है
या फिर उस औरत की ना ऐसी कोई ना कोई उस औरत की ज़रूरत है, जो ज़रूरत या फिर जो इच्छा उसका हस्बैंड यानी कि उसका पति बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहा, तो उस इच्छा को या फिर उस ज़रूरत को आप दोस्तों पूरा करो। इससे दोस्तों क्या होगा कि उस औरत को लगेगा कि देखो जो मेरी इच्छा या फिर जो मेरी ज़रूरत मेरा पति पूरा नहीं कर रहा, तो उस इच्छा को या फिर उस ज़रूरत को इस बंदे ने पूरा किया। और दोस्तों ऐसा जब होगा ना तो दोस्तों वह जो औरत है ना वो दोस्तों आपके ऊपर इतना इम्प्रेस हो जाएगी ना दोस्तों कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया ना वो दोस्तों दूसरे प्रकार का काम है। तो दोस्तों अभी उसके बाद जो तीसरे प्रकार का काम है वो दोस्तों कौन सा है कि दोस्तों उस औरत की ना दोस्तों जितनी हो सकती है उतनी दोस्तों उसकी केयर करो। क्या बोला मैंने? उस औरत की ना दोस्तों जितनी हो सकती है उतनी दोस्तों उसकी केयर करो। अभी दोस्तों इसका एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं आपको देने जाऊंगा ना तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों ऐसा होगा कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल वो जो औरत है ना वो दोस्तों शॉपिंग करके मतलब अपने घर पे आ रही है और उसके हाथों में ना बड़ी बड़ी थैलियां है, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि अरे भाभी जी इतनी बड़ी बड़ी थैलियां आप अपने हाथों से क्यों उठा रही हो, लाओ यह थैलियां मुझे दो, मैं आपको अपने घर तक छोड़ दूंगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों उस औरत को लगेगा कि देखो देखो जो मेरा पति नहीं कर रहा तो यह मतलब वो काम यह बंदा कर रहा है, मतलब जो मेरा हस्बैंड है ना उसको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मतलब यह बंदा ना मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मेरी चिंता करता है। और दोस्तों ऐसा जब होगा ना तो दोस्तों वह जो औरत है ना वो दोस्तों आपके ऊपर इतना दोस्तों इम्प्रेस हो जाएगी ना दोस्तों कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। जब दोस्तों आप एक काम करोगे ना तो दोस्तों आप मुझे खुद बोलोगे कि वाह भाई क्या तूने काम बताया, इसका तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो दोस्तों आप ही मुझको खुद बोलोगे। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो और हैप्पी रहो। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू।